हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द जॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन सेवा में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट में नाम है ECIL। ECIL की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए, और इसके बावजूद भी मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ECIL मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकली है एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी GET, तो ये वैकेंसी निकली है थ्रू द गेट स्कोर, ठीक है। तो इसमें आपका गेट स्कोर कंपलसरी है, और क्या इसमें स्टेप्स रहेगी, कैसे सिलेक्शन होगा आपका, सारी जानकारी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब बताने वाला हूँ मैं आपको। आप बस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सर्च करना है ECIL, या इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर करियर का एक ऑप्शन है और उसी में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ई रिक्रूटमेंट का। तो ई रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ई रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक नया पेज आपके सामने खुल कर आएगा, जहां पर आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यहीं पर ऑप्शन है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी GET। यहाँ पर जो इसका एडवर्टाइज नंबर है वो है 8/2022। तो इसी जो फर्स्ट वाली लिंक है, इसी लिंक पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पेज पर क्लिक कर देंगे या इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज आपके सामने खुलकर आएगा, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगी, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एडवर्टाइज नंबर क्या है, ठीक है। तो अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट वाला जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हम इसका पहले आपको एडवर्टाइजमेंट बता देते हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थ्रू द गेट स्कोर, और गेट स्कोर कौन सा चाहिए, 2022 का, ठीक है। और यहाँ पर ECIL का थोड़े से प्रोफाइल दिए, कंपनी प्रोफाइल, ECIL एक्चुअल में है क्या, क्या काम करती है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है एज का। तो यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है, मतलब मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 25 साल है। 25 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर आपकी 25 साल से ज़्यादा एज है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कौन से डिसिप्लिन में यहाँ पर कितनी वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले है ECE, और यहाँ पर टोटल पोस्ट है 21, और सेकंड है यहाँ पर मैकेनिकल, जिसके लिए 10 पोस्ट है, और थर्ड है यहाँ पर CSE, जिसके लिए 9 पोस्ट है। टोटल 40 यहाँ पर वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो BE या BTech आपका होना चाहिए 65% एग्रीगेट के साथ में, ठीक है। तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए BE/BTech में वो जो है 65% होना चाहिए, और आपका जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो ECE मैकेनिकल या CSE होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके पास ECE मैकेनिकल या CSE है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ड्यूअल कॉम्बिनेशन डिग्री है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। दूसरी हम यहाँ पर बात करें कि जो ऐसे कैंडिडेट जो कि लास्ट ईयर में या फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर जिनका चल रहा है वो यहाँ पर एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों कंडीशंस बता दिए, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमोलुमेंट्स, ठीक है। इमोलुमेंट्स के पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर ले कि ऐसे कैंडिडेट जो कि जिनका 64.99% है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, 65% मिनिमम होना चाहिए।
और यहाँ पर सैलरी की हम बात करें तो वन ईयर का यहाँ पर आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और एज अ ट्रेनिंग पीरियड मतलब आपका ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी रहेगी वो 54,880 रुपये पर मंथ की रहेगी। इसके बाद आपका जैसे ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको GET की पोस्ट मिल जाएगी और आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड में काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर अट्रैक्टिव सैलरी दे रहे हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो है बॉन्ड रहेगा, तो बॉन्ड कितने साल का यहाँ पर रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, बॉन्ड रहेगा आपका यहाँ पर टोटल 4 साल का। ठीक है, और जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर आपका पर आपका बॉन्ड रहेगा उस पर आपके साइन होंगे, और 4 साल का बॉन्ड रहेगा जिसमें 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड होगा प्लस 3 साल का एज अ इंजीनियर आपका रहेगा बॉन्ड। ठीक है, और रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट मतलब किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर निकली तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर ले, कहाँ से करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन सिंपल सा 2 स्टेप में, फर्स्ट वन आपका GET स्कोर देखा जाएगा, GET 2022 का स्कोर कार्ड आपका देखा जाएगा कि कितना स्कोर आपका रहा है। सेकेंड है आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट GET के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन रखा गया है। पर्सनल इंटरव्यू अगर आप सही से करते हैं, सही से देते हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर कंफर्म है। चलिए, हमें यहाँ पे सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया, अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो स्टार्टिंग डेट की हम बात कर लें, 23 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 14 मई इसकी लास्ट डेट है, तो 14 मई तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे पेमेंट की मतलब फ़ीस की, तो 500 रुपये का चार्ज यहाँ पर लगेगा ऐसे कैंडिडेट का जो कि अनडिजर्व EWS या OBC कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो भी कैंडिडेट है वहाँ पर यहाँ पर उनका कोई भी चार्जेस नहीं है। चलिए, हम बात करते हैं इसमें कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको सेम वही उसी पेज पर आ जाना है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो वहीं पर आपको जाना है और वहीं से आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग GET, और यहाँ पर एक जो एरो दिखाई दे रहा है इस एरो पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, और यहीं पर आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आएगा, वो फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, अब इस फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है, यहाँ पर टेम्प्रेरी ID फिलअप करना है, तो टेम्प्रेरी ID आपके पास होगी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है अपनी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइज नंबर में 2 ऑप्शन आएंगे, 7/2022 और 8/2022, तो यहाँ से आपको 8/2022 वाला ऑप्शन चूज़ करना है, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहीं पर एक ही ऑप्शन आएगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा जो कि आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पर क्या क्या फिलअप करना है इस फॉर्म में, चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो इस फॉर्म में आपको क्या क्या फिलअप करने हैं, क्या क्या डिटेल्स अपनी डालनी है। तो डिटेल्स आपको अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से डालनी है, जो भी 10th की मार्कशीट में आपका आपकी डिटेल्स है, जैसे आपका नाम, जेंडर और पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मदर टंग, आप कौन सी मदर टंग यूज़ करते हैं, मोबाइल नंबर, आप एक सर्विसमैन है तो यस नो करें, नहीं है तो नो कर दें, है तो यस कर दें, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आर यू SAIL एम्प्लॉय तो यहाँ पर सिंपल सा नो कर दें, आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस नो करने हैं। उसके बाद फादर नेम आपको इधर डालना है, कैटेगरी आपको डालना है, अप्लाई एप्लीकेंट की कैटेगरी क्या है वो आपको डालना है, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ईमेल ID, कंफर्म ईमेल ID, उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी कार्ड का नंबर डालना है जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर या पासपोर्ट का नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको वैलिडेट पर्सनल डिटेल की, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है एड्रेस फॉर करेस्पोंडेंस का, ये अभी आपका हाइट है तो ये खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस में आपका फ्लैट नंबर, डोर नंबर, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और वैलिडेट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको खुल जाएगा जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपको परमानेंट एड्रेस करेस्पोंडेंट एड्रेस सेम है तो कॉपी आप यहाँ पर कर सकते हैं, कॉपी वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो दोनों एड्रेस आपको अलग अलग डालने होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वैलिडेट परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना है, फिर आपको प्राइमरी क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पर आपको प्राइमरी क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, नेम ऑफ द डिग्री, ब्रांच, क्लास और मार्कशीट वगैरह, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किया है, कब से कब तक किया है, कितना मार्क्स परसेंटेज था, सारी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। फिर आपको यहाँ पर GET एग्जाम रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी है,
तो गेट क्वालिफाइंग ईयर 2022 आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद इस पर आपको यहाँ पर सिंपल से आपको 2022 डाल देना है और उसके बाद गेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि 13 अंकों का होता है, ठीक है, और वैलिडेट गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर सॉरी, इसके बाद में यहाँ पर डिसिप्लिन भी आपको डालना है, कौन से डिसिप्लिन से आपने गेट किया है। फिर वैलिडेट गेट इसके गेट डिटेल पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको 10th SSC और जितनी भी क्वालिफिकेशन है आपकी 10th से लेकर, वो आपको सारी डिटेल यहाँ पर ऐड करते जाना है, ऐड क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन चूज़ करके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इतना फॉर्म अगर भरते हैं तो आपका आधे से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो चुका है। फिर आपको वैलिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक SBI पेमेंट डिटेल ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं यहाँ पर पेमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसके बाद वैलिडेट जनरल डिटेल पर क्लिक करना है, फिर नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए नीचे में समरी ऑफ द स्किल सेट, आपके स्किल क्या है उसका थोड़ा सा आपको समरी देना है 400 कैरेक्टर में। उसके बाद लैंग्वेज नॉन, आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं, स्पीक रीड और राइट करना, वो आपको यहाँ पर डालना है वैलिडेट लैंग्वेज पर क्लिक करके। फिर आपको यहाँ पर अपलोड डिटेल डॉक्यूमेंट, तो फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एनी अदर सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर को छोड़कर। फोटो सिग्नेचर आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, फिर सबमिट कर देना है। तो जैसे ही सबमिट आप कर देंगे तो आपने जो डिटेल्स डाली है सारी डिटेल खुलकर आ जाएगी, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।